वसी में आपको सलाम सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश नौमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाजरीन, आज जैसे कि आपको पता है कि क्रिसमस सीज़न स्टार्ट है, तो आज हम मौजूद हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की सबसे बड़ी आबादी योहन्नाबाद में, जहाँ हम आपको आज सेंटा क्लॉज के एक बहुत सी शॉप्स दिखाएंगे जहाँ पे लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारियाँ बड़े जोशों खरोश से कर रहे हैं। आज हम लोगों से भी आपको मिलवाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे वो किस तरह क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, और दुकान के जो ओनर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और आप उनको बताएंगे कि किस तरह क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं और किस रेट्स पर वो चीज़ लोगों को फरोख्त कर रहे हैं और लोगों से क्या फ़ायदा हो रहा है और लोग किस तरह आगे मज़ीद क्रिसमस की खुशियों की तैयारी कर रहे हैं। आए मेरे साथ जी। अभी हमारे साथ इस शॉप पर एक कस्टमर मौजूद है जी। मसीह में आपको सलाम जी। सलाम, कैसे हैं आप जी? ठीक हूं। क्या नाम है भाई आपका? इमैनुअल मसीह। अच्छा इमैनुअल भाई, आप यहाँ पे क्या खरीदो फरोख्त करने आए हैं? ये बच्चों की कैप वगैरह लेने आए हैं। तो हर साल आप यहाँ पे आते हैं? जी आते हैं। तो मतलब बच्चों की कैप्स वगैरह लेने आते हैं, तो मतलब रेट्स वगैरह सही होते हैं और चीज़ें अच्छी होती हैं? जी अच्छी होती हैं रेट। तो क्रिसमस की तैयारियाँ कैसे आप कर रहे हैं? खुदा का शुक्र है, अच्छी तैयारियाँ। क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं? क्या क्या कपड़े वगैरह ले रहे हैं? ये कैप्स वगैरह, आज मना क्रिसमस का प्रोग्राम है बच्चों का चर्च में, तो ये कैप वगैरह लेने आए हैं। तो आज क्रिसमस के प्रोग्राम के लिए आप खरीद रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर वसीम भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। वसीम भाई कैसे हैं आप? खुदावंद के फजल से मैं ठीक। तो कैसा जा रहा है आपका ये शॉप का काम, किस तरह लोग आ रहे हैं, कृष्णो बहन भाई किस तरह आ रहे हैं? खुदावंद का शुक्र है, ठीक आ रहे हैं लोग, लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको पता महंगाई कितनी हो गई है, लेकिन फिर भी खुदावंद के फजल से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पिछले साल से इस साल तो महंगाई तो वाकई में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपने हमारी कम्युनिटी के जो बहन भाई हैं जो आपसे ख़रीदने आ रहे हैं उनके लिए आपने क्या मतलब उनको रेट दे रहे हैं? हमने खसूसी पैक ही लगा दिया, हमने हमारी बेसिकली है ये क्रॉकरी शॉप, हमने तो ये इसलिए लगाए हैं ये कि सब लोग जश्न मना सकें, कि कोई जश्न के बगैर ना रहे, क्योंकि अगर पैसे वाले के पास तो पैसा होता लेकिन गरीब के पास ख़रीदने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए हमने ये लगाया कि सब लोग ख़रीदें और खुशियों में शामिल हों, क्योंकि बादशाह की आमद है, तो आप जब बादशाह की आमद होती है तो फिर सबको खुश होना चाहिए। तो अच्छा भाई ये बताएं कि जब लोग आपके पास मतलब शाम में आते हैं तो गहमा गहमी इतनी है, जैसे क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं, आप कह रहे हैं कि बादशाह की आमद है, तो हम लोगों तो किसी के पास बाज़ का मतलब कम पैसे भी हों, तो आप अपने बहन भाइयों के साथ कैसा मतलब आपका होता है? बेशक मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा अगर तेरा दाया हाथ देता है बाएं को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन हम खुदावंद के फजल से करते हैं लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़। अगर हमारी मतलब के वीडियो को देख के लोग आपके पास आएँ तो आप उनके साथ इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ करें? जी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पिछले साल भी इंटरव्यू हुआ था मेरा, लेकिन काफ़ी लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, मसीह कम्यूनिटी ने खुदावंद के फजल से बहुत अच्छा रहा सिस्टम, लेकिन अब भी कोई आता है मेरे पास तो ऐसे के एक फैमिली है हम मसीह में, फैमिली की तरह ही रिएक्शन। जैसे कि भाई आपको पता है कि क्रिसमस सीज़न में मतलब लोग खरीदो फरोख्त करने आपके पास आ रहे हैं, तो लेट नाइट में भी आपको पता है क्रिसमस पार्टीज फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, तो अगर मतलब कोई आप अपना टाइम बता दें ताकि अगर कोई आना चाहे आपके पास तो आपकी शॉप पर मतलब आ सके और आपसे ये सेंटा क्लॉज की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सके। सुबह 9 बजे शॉप ओपन होती है, रात को तकरीबन 12 बजे तक सामान यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो अच्छा ये बताएं कि ये किस दिन तक, ये 24 तक अवेलेबल होगा? जी हाँ जी, उसके बाद भी अगर कोई रابطہ करना चाहता है उसके बाद भी मिल जाएगा सामान। ठीक है, जैसे कि आपने सुना कि भाई ने कहा कि उसके बाद भी अगर कोई रابطہ करना चाहे तो हम हाजिर हैं, हम अवेलेबल हैं, जैसे वो कहेंगे हम सामान उनको दे देंगे। जब भी हमारे साथ इस जो दुकान के ओनर मौजूद है उनसे बात करते हैं। जी मसीह में आपको सलाम। जी जी सलाम जी, कैसे हैं भाई आप? शुक्र है खुदावंद का फर्स्ट क्लास। अच्छा भाई, आम दिनों में तो मतलब लोग एक्साइटेड होते हैं बाज़ारों में जाते हैं, लेकिन आपको तो क्रिसमस के डेज़ में ज़्यादा रश होता है, तो कैसा मतलब आपकी दुकान पर रिस्पॉन्स है और लोग आ रहे हैं और जो हमारी वीडियो के थ्रू आपको लोग देखेंगे उनको आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि उनके लिए क्या कंसेशन है? हाँ बिल्कुल, क्रिसमस के डेज़ जैसे कि स्टार्ट हैं, महंगाई तो है लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर्स को डिस्काउंट दें और हर घर में यानी कि क्रिसमस की जो खुशियाँ हैं और क्रिसमस की जो प्रोडक्ट्स हैं वो पहुँचें, हमारी पूरी कोशिश होती है कि कस्टमर जो है ना वो वापस ना जाए। इस दफ़ा स्टॉक जो काफ़ी एक्सपेंसिव था, महंगा था, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि तमाम वैरायटी जो क्रिसमस के वो हम लोग ना अवेल करवाएं यहाँ पर, तो लोगों का जो आमदोरफ्त है और परचेजिंग है वो बहुत अच्छी है और लोग यानी कि कोशिश करते हैं कि इसको सेलिब्रेट करें।
पूरे तरीके से। तो आप अपनी दुकान का थोड़ा सा बता दें ताकि कोई अगर आप वीडियो के थ्रू आपके पास आना चाहे तो वो आपसे रब्ता कर सके। जी जी बिल्कुल, आप ये नहीं कि क्रिसमस की कोई भी प्रोडक्ट आपने लेनी है, क्रिसमस ट्रीज, डेकोरेशन और लाइट्स, वो हमारे पास अवेलेबल है और डिस्काउंटेड रेट पर अवेलेबल है। तो शॉप नेम बताएं। शॉप नेम हमारा है रिलीजियस आर्टिकल, वैसे बेसिकली हमारी बाइबल शॉप है, प्रॉपर पूरा साल ये रहती है। थैंक यू सो मच भाई। वेलकम जी। नाजरीन, अभी हम जहानाबाद की एक फैक्ट्री में मौजूद है जहाँ पे क्रिसमस हवाले से बच्चों की कैप्स, कोट और बच्चों के ड्रेस, सेंटा क्लॉज के ड्रेस जो तैयार किए जाते हैं। यहाँ के ओनर से भी हम आपकी बात करवाएंगे और यहाँ के लेबर से भी हम आपकी बात करवाएंगे, और जो लोग यहाँ आके खरीदना चाहें उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ आके खरीद सकते हैं। जी मसीह में आपको सलाम। सलाम जी, कैसे हैं भैया? हाँ जी ठीक हूँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितार है। अच्छा सितार भाई, आपने ये जो मतलब फैक्ट्री में मतलब आप कैप्स तैयार करें क्रिसमस के हवाला से, लोग आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो खरीदना चाहते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हमारा मैसेज ये है, हम ये बेसिकल हमारा ऑफिस है प्रॉपर्टी का, पर क्रिसमस का महीना हम ये सेंटा क्लॉज का ड्रेस बनाते हैं और होलसेल पे सेल करते हैं। पूरे लाहौर से लोग हमारे पास आते हैं और कम कीमत पे देते हैं। जो लोग, हमारी कोशिश होती है हर बच्चा इसको पहने, ठीक है ना, हमने कोई पैसे नहीं देखते, ठीक है। अगर 1000 का कोई आता है हमारे पास, 500 है, हम देखते हैं हाँ इसे ज़रूरत है, बच्चों को पहनना चाहिए, हम देते हैं उनको, ठीक है। बाकी खुदावन का शुक्र है, हम अपना नया माल बनाते हैं इधर, तो वो सारा लोगों को पूरे जहानाबाद पे दे रहे हैं होलसेल रेट, अगर बाहर से बहुत कम पैसों में। और हम कहते हैं जिन्होंने ख़रीदना ये संधु स्ट्रीट लिखा हुआ बाहर, तो आके इधर से ख़रीद सकते हैं। तो कितने साल से आप ये कर रहे हैं? हम कर रहे हैं 6-7 साल से कर रहे हैं। 6-7 साल से? अच्छा भाई, कर रहे हैं आप, तो आप मतलब कह रहे हैं कि जो लोग मतलब के अगर मतलब इस तरह हमारे पास अगर कोई लोग आपसे ऑर्डर से ऑर्डर आपको दें तो आप वो उनका ऑर्डर पे उनको बना देते हैं? ऑर्डर पे भी बनाते हैं, ये गुजरा वाले माल जाता है, पिंडी जाता है, सियालकोट जाता है, हम ऑर्डर पे भी बनाते हैं, तो पूरे पाकिस्तान में जाता है हमारा, ऑर्डरों पे भी शॉप वाले लेके जाते हैं, और पूरे जहानाबाद में, लाहौर में तो बहुत लोग लेके जाते हैं, गुलबर्ग से, डिफेंस से, मक्का कलोनी से, सब लोग जगह से लोग आते हैं, बहार कलोनी से बहुत लोग आते हैं। अच्छा भाई, इतनी प्यारी मतलब आप खिदमत भी है आप एक तरह से कर रहे हैं, तो आप क्रिसमस के हवाले से कुछ मैसेज देना चाहते हैं? क्रिसमस के हवाले से हम यही मैसेज देना चाहते हैं भी खुदावन का शुक्र है, उनकी आमद का महीना है, तो ये खुशी का महीना है, तो सबको ये कहते हैं हैप्पी क्रिसमस एडवांस। बहुत शुक्रिया भैया आपकी बात। थैंक यू जी। नाजरीन, अभी आप मेरे साथ देख सकते हैं कि क्रिसमस के हवाले से जो एक रैली है वो निकाली गई है ताकि जो क्रिसमस की सेलिब्रेशन है उसको और मजीद ज़्यादा बढ़ाया जा सके। अभी मेरे साथ एक भाई आप देख रहे हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी मसीह में आपको सलाम। सलाम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम है आपका? जेम्स मुगल। अच्छा जेम्स भाई, ये बताएं ये सब क्या, ये आप लोगों ने रैली निकाली है, ये सेलिब्रेट करने का क्या तरीका है? अपना एक यूथ चला रहे हैं सेंट फ्रांसिस के नाम से, तो ग्रीन टाउन में हमारा ये ग्रुप है, तो हम ना हर साल जो इवेंट क्रिश्चियन इवेंट होते हैं या कोई और एक्टिविटी होती है तो हमारी कोशिश है कि हम हट के कुछ करें, तो ये हमारी बड़ी देर से ख्वाहिश थी कि हम ना लाहौर में या हमारी जो बड़ी वादी हैं उनमें जाकर हम ना एक मसीह का पैगाम, अमन का पैगाम दें रैली की सूरत में। ये हम 4 साल से उस एरिए में कर रहे थे, तो इस साल हमारा टारगेट था जहानाबाद, आसफ टोनो, ये इस साइड पे जो एरिया ना हमने वो टारगेट किया था कि हमने ये इस दफ़ा ना रैली उस तरफ लेके जानी है, तो खुदावन के फजल से आज हम जहानाबाद में एंटर हुए हैं, तो ये हम अमन का पैगाम यसु मसीह की पैदाइश पे हम अमन का पूरे पाकिस्तान में पैगाम दे रहे हैं। तो अच्छा, ये रैली कहाँ से कहाँ तक लेके जाएंगे आप? ये हम जितनी क्रिश्चियन आबादी हैं ना, हम तक 60% आ चुके हैं, अब वापसी भी हम सेंट मैरी हेनरी के ये जो वापसी भी हम करेंगे उधर जाएंगे हम। जी नाजरीन, अभी बड़े प्यारे दो बच्चे हैं, इनसे भी बात करते हैं। हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप? ठीक। कैसा लग रहा है आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मज़ा आ रहा है? कैसे बेटा आप क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं इस तरह, मतलब मज़ा आ रहा है आपको सेलिब्रेट करने का? तो कैसा फील आ रहा है सुम के बारे में, क्या पैगाम जो लोग आपको देख रहे हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबको क्रिसमस मुबारक। जी प्यारा सा बच्चा कह रहा है सबको क्रिसमस मुबारक। अभी हमारे साथ जो एक भाई मौजूद है जो सियासी नुमाइंदे भी हैं, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मसीह में आपको सलाम। जी आपको सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं खैरियत से।
जी भाई, आप इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, मसीह जो आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? जी देखें, मैसेज ये है कि मसीह में सबकी सलामती, और आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। ये योनाबाद जो है हमारे एशिया की सबसे बड़ी जो आबादी है, क्रिश्चियन आबादी, और ये है कि ये सेंट जो यूथ है, सेंट फ्रांसिस यूथ लेके योनाबाद तशरीफ लेके, हम इनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। और ये है कि ये रैली जो है इधर से स्टार्ट होगी और आगे जो है इस्तकबाल के लिए हम जो है इनके लिए खड़े हैं, और ये इख्तिताम इधर से होकर ये आगे भी इनका काफ़ी जो है लम्बा टूर है। और ये है कि हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ये मुसलसल चार साल से जो है इनका ये चल रहा है, अभी इनका 5 ईयर है, तो हमें देख के बड़ी खुशी है। और ये है कि सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि अपने अपने हलकों में जो भी डिजर्व पीपल है उनकी हेल्प करें, और उनके लिए जो भी हो सकता है करना चाहिए। थैंक यू सो मच जी। अभी नाज़रीन, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो कि इस रैली के नुमाइंदे हैं और इसको ऑर्गेनाइज जिन्होंने किया है। जी मसीह में आपको सलाम। सलाम, कैसे हैं भाई आप? मैं ठीक, फर्स्ट क्लास जी। क्या नाम है आपका? नदीम शकर खोखर। अच्छा नदीम भाई, हमारा आपसे ये सवाल है कि जैसे कि क्रिसमस तो नाम ही खुशियाँ बांटने का, ठीक है, खुशियाँ बांटने का नाम है, तो ये जरूरी नहीं कि क्रिसमस पे ही हम खुशियां बांटे। आप जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना, क्योंकि आप तो सियासत में भी हैं? हाँ जी, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमने हाल ही में कुछ हफ्ता पहले एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जिसमें मुस्लिम, मसीह, सिख, हिंदू बहुत अच्छा इवेंट करवाया जी। तो मैं चाहता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए, और ये एक ये बहुत ही अच्छा है जी, ये अमन का पैगाम है। हम तो सेंट फ्रांसिस यूथ ग्रुप सुबह ग्रीन टाउन से लेके आसफ टाउन, यूहन्नाबाद और बहार कलोनी भी, लिंक रोड, हर जगह लाहौर के गए हैं। और यहाँ पे हमारे बड़े भाई, हमारे भाई हैं बिलावल भुल्लर साहब, इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया है बड़े जोश खरोश से, और अब इनके इलाका में जा रहे हैं यूहन्नाबाद में, उसके बाद हमने जाना है अपना आसफ टाउन, उसके बाद हमने माल रोड पर चले जाना है। जी भाई, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हमारे साथ ही एक बड़े से प्यारे से भाई जिन्होंने सेंटा का पूरा ड्रेस पहना हुआ है, इनसे बात करते हैं कि कैसे महसूस कर रहे हैं क्रिसमस को सेलिब्रेट इस तरह करके। जी मसीह में आपको सलाम। सलाम, क्या नाम है आपका? सुहेल। अच्छा सुहेल यंग मैन, ये हमें बताओ कि क्रिसमस को ऐसे सेलिब्रेट करके कैसा लग रहा है, और अपने देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहोगे? मुझे तो क्रिसमस बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, और जो देख रहे हैं उनका मैं यही कहूँगा नशे से दूर रहे और क्रिसमस सेलिब्रेट अपने बच्चों से करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ये एक और यंग मैन मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं भाई, ये आपने क्रिसमस तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये रैली के साथ आप आए हुए हैं, ये बाजा पकड़ने का आपका क्या मकसद है, ये जरा बताएं। वैसे ही बच्चों से पकड़ा हुआ है। अच्छा बच्चों से कह रहे हैं, मैंने वैसे बच्चों से पकड़ लिया है। नाज़रीन, बड़ों के साथ बच्चे भी पीछे नहीं है। ये आप प्यारी सी डॉल देख रहे हैं जो कि अपने पापा के साथ बाइक पे बैठी है, इससे बातचीत करते हैं। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो आप? ठीक। मसीह में आपको सलाम। सलाम जी मसीह में आप सबको सलाम। मैं तो देखिए बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी क्रिसिया के बच्चे जो भी हैं छोटे सब इंजॉय करें। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि यार सब बच्चे जितने भी मुसीब लादरी हैं सब अच्छा इंजॉय करें, सब अपने माँ बापा को अच्छा सेलिब्रेट कर सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भाई, हैप्पी क्रिसमस इन दुआ। जी नाज़रीन, जैसे कि मेरे कैमरा मैन ने आपको सारी कवरेज दिखाई कि किस तरह क्रिसमस की जो खुशियां उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और लोग किस तरह बाज़ारों में आकर सेंटा क्लॉज की जो ड्रेस खरीद सकते हैं, और अभी हमने आपको फैक्ट्री का भी विज़िट करवाया कि किस तरह फैक्ट्री में सेंटा क्लॉज के जो कपड़े हैं वो तैयार किए जाते हैं। अगर हमारे देखने वाले नाज़रीन में से अगर कोई इस वीडियो को देख कर इनके पास आना चाहे और ऑर्डर पर ड्रेस बनवाना चाहे, तो वो संधु स्टेट एजेंसी शॉप पे आ सकता है और इनसे ऑर्डर पे ड्रेस बनवा सकता है, और ये आपको मुनासिब दाम में ये चीज़ें आपको फरोख्त करेंगे। इसके साथ मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।